Let's wait for a few minutes for a few time that everybody joins in. Assalamu alaikum again. Assalamu alaikum again. I guess we have students with us. They have joined in. Okay, so we were talking about that with the practice, can we achieve the perfect pronunciation, or why we can't pronounce or speak certain words which are not available in our mother tongue. Okay, so सही है. Some students say that ki we can achieve it, some said they can't. I would say that ki agar ek bahut acha example main aapko dun with the practice 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 wala, to mashallah se hum Arabic hamari mother tongue nahi hai. Hai mother tongue hai kya hamari Arabic? तो हम प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा माशाल्लाह से कुरान मजीद को पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, हम जब कुरान पढ़ते हैं तो इसी तरह से आई एम सेइंग दैट इफ वी प्रैक्टिस इट विद फुल हार्टेडली तो वी कैन अचीव द सर्टेन प्रोनाउंसिएशन दैट वी वांट टू अटर. ठीक है, ओके. व्हाई वी कैन नॉट प्रोड्यूस सम, ओके जी. यस मैम, मैं ये कहना चाह रहा था
कि अभी आपने अरबी जुबान की मिसाल दी, जी कि अरबी जुबान जो मतलब जो पढ़ता है ना अरबी जुबान, बच्चा छोटा वो जब हिफ्ज कर लेता है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% अरबी जुबान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर अभी हम अभी इस उम्र में अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 100% हम एक्यूरेटली कोई भी जुबान नहीं बोल सकते। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि आप देख रहे हैं बाहर ओवरसीज कितने आवाज बंद करना, आवाज बंद करो, देखिए कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी जो इंग्लिश है लैंग्वेज है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी कि फॉरेन जो हैं उनकी है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो बच्चा होता है ना उसकी आप जहन में जो एक्सेंट डाल देते हैं वो एक्सेंट वो लेके चलता है, उसको छोड़ता नहीं है कभी भी। तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिस में हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। ओके okay, सही, ठीक है, थैंक यू एहसान, वेरी गुड गुड। तो अभी हमें एहसान ने अपनी बात पूरी कर दी जो वो करना चाह रहे थे। कोई और इस बात पे बात करना चाहेगा तो दे कैन से प्लीज कीप योर टॉक्स रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट दैट वी आर स्टडीइंग। ठीक है, ये मिस को दूसरी बातें आप सीआर से गलियां करें, वो हमने पहुंचा ही देता है बेचारा, परेशान हुए हुए होते हैं दोनों आपके सीआर। ठीक है, ओके। फिर ये है कि हम कुछ साउंड्स जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो बचपन से मौजूद नहीं है हमारी मदर टंग में, तो हम इसलिए वो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमारे ऑर्गन्स वो साउंड प्रोड्यूस करने के आदी नहीं होते। जैसे कि अगर हम पे कहते हैं या पक कहते हैं, तो हमारे आप पे और पक हैं और आप मुझे बताएं आपकी लिप्स की मूवमेंट या आपके माउथ की मूवमेंट कैसी है। व्हेन यू प्रोनाउंस अ प साउंड या पी साउंड, पी नहीं होता, प होता है, तो प साउंड जब आप करते हैं या पे कहते हैं तो आपके माउथ की मूवमेंट कैसी है, आप ये बताइए मुझे, जल्दी बताइए। मैं कह एक बच्चे को कहती हूँ, यस अब्दुल सत्तार, आप जरा अनम्यूट करके अपने आप को हमें प्रोनाउंस करके बताएं प साउंड और पे साउंड, और बताएं कि किस तरह से आपका माउथ मूवमेंट हुआ है इस दौरान। We have another CR also in the class. I hope he is here. Supyan. He is not here. हेलो मैम। जी मैम। Yes, Abdul हेलो। Sattar, आप जी मैम। प साउंड या पे साउंड जब बोलेंगे तो किस तरह की आपकी माउथ की मूवमेंट होगी, जरा आप हमें बताएंगे, हमारी क्लास के साथ शेयर करेंगे। मैम कैसे, थोड़ा समझ नहीं आया, ऊपर से व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस हैं मैम, मैं सही से ये समझ भी नहीं पा रहा क्लास। इनके मैसेजेस को आप क्लास के दौरान इग्नोर कर दिया करें, उनको म्यूट कर दें, सिर्फ मेरे मैसेज का ध्यान दिया करें। आफ्टर द मैम क्लास दे कैसे, कैन कॉन्टेक्ट यू प्लीज। क्लास ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है अपने सीआर को क्लास के दौरान जो है ना वो मैसेजेस कर रहे हैं। यू गाइस कैन मैसेज हिम, पूरा वीक पड़ा हुआ है, वो बेचारे भी इंसान होते हैं। वो मैम सिलेबस का भी पूछ रहे थे कि मिड टर्म में क्या आएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स बता रहे हैं और टाइमिंग का ये वो, तो इसीलिए कुछ की अच्छा, ज्वाइन नहीं हो रही, नेटवर्क इशू है किसका और बारिश की वजह से ये वो। तो अच्छा आप क्या कह रहे थे मैम, मैं ये कह रही क्या कह हूँ, रही थी? मुझे आपने ये सारी हाँ बातें बताई हुई, अभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे हम ये बातें एक बार फिर, और आई हैव गिवन यू द आंसर एंड ट्राई टू इग्नोर देयर क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, सही है, ताकि आप अपनी क्लास पे कंसेंट्रेट कर सकें। ओके, मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप प साउंड यानी जिस पी को हम प कहते हैं, प साउंड या पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपके माउथ की मूवमेंट कैसी होती है, ये जरा अपने पूरे क्लासमेट्स को बताइए। कैसी होती है मैम? हाँ कैसी होती है ये, तो आप बोले प्रोड्यूस करें साउंड प प बोले।
वेरी गुड। तो आप अपने माउथ की आपकी जो मूवमेंट हुई है वो कैसी हुई है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं ओके, अब पे बोलें। दो लिप्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं ना मैम। यस वेरी गुड। अब पे बोलें। पे। ठीक, गुड, शाबाश। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू मैम। मैम फिर वो मसाइल भी थोड़ा बता दीजिएगा मैम। उसको हल करते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, आफ्टर द क्लास। सही है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, सही। तो जब मैं और अब्दुल प साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा जो मुंह था, ठीक है, हमारा जो माउथ था, सही है, तो जब हम प साउंड कहते हैं तो कितना कितना मूव करता है? बहुत ज्यादा मूव करता है या कम मूव करता है? कम मूव करता है, हमारे लिप्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और कम मूव करता है थोड़ा सा। और उसी को जब हम पे कहते हैं तो पूरी स्माइल बन जाती है हमारी, जैसे वो स्माइल ही नहीं होता प्यारा वाला स्माइल जो हम अक्सर भेज देते हैं अपने फ्रेंड्स को जब हमें गुस्सा आ रहा होता है खास तौर पे, तो एक स्माइल ही भेजते हैं हम उसको, चाहे का उसी वक्त हार्ट अटैक हो जाता है हमारे सारे फ्रेंड्स का कि भाई ये तो बस स्माइल ही नहीं आना चाहिए, तो पक्की वाली लड़ाई हो गई है, राइट। तो जब हम पे कहते हैं तो पे कहते हैं तो हमारा मुंह खुल रहा है ज्यादा, साइड से भी मुंह खुल रहा है और लिप्स तो हमारे ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो क्या हुआ हमारा हमारे पूरे माउथ की मूवमेंट डिफरेंट है, ठीक है। साउंड कहते हुए हम हल्का सा बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, प्यार से, नरम से, पूरा हमारा माउथ भी नहीं ज्यादा जो है वो वाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम पे कहते हैं तो हम बकायदे हल्की सी स्माइल सी बन जाती है, पे यूं करके कह रहे होते हैं तो, ठीक है, इसी तरह से बे कह रहे होते हैं तो इस तरह से, ठीक है। तो जब हम कॉन्सोनेंट प्रोडक्शन ऑफ साउंड को पढ़ेंगे तो उसमें हमें और चीजें पता चलेंगी। तो ये हुआ कि जब कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती तो हमारे वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसके साथ यूज टू नहीं होते, तो हम इस वजह से भी नहीं बोल पाते, ठीक है। फिर हमारे जो ये प्रोडक्शन ऑफ जब साउंड होता है तो उसमें बहुत से ऑर्गन्स के हमारी बकायदा सांस का ये आना जाना जो मैं बोल रही हूँ आपसे, इसका भी बहुत ज्यादा जो है वो इसमें अमल दाखिल है, ठीक है। तो रहा सवाल अगले वाले में चाहते हैं हम लोग। आई होप यू गाइस हैव गॉटन इट। एनी क्वेश्चन? अभी हम इसकी सेकेंड ब्रांच को पढ़ते हैं, ऑडिटरी फिनेटिक्स। ओके, थैंक यू, सही, ठीक है। Auditory phonetics is the study of hearing and perception of speech sound. ठीक है जी। अब जब हम auditory phonetics पढ़ते हैं, जिससे हमने थोड़ा पहले बोला भी था कि audio, ठीक है, audio के साथ auditory, ठीक, hearing, अब सुन कैसे रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास hearing का कोई मसला हो in my own organs, ठीक है, वैसे तो है, सही है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बीच में कुछ डिस्कनेक्शन हो जाए तो वी हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक इंसान के अंदर हियरिंग का और लिसनिंग का, उसके परसेप्शन का, स्पीच साउंड का कोई मसला है तो फिर फोनेटिक्स उस चीज को, ऑडिटरी फोनेटिक्स उस चीज को स्टडी करती है। कोई आइडिया, कोई एग्जाम्पल जो आपके जहन में आ रहा हो इससे रिलेटेड? जी राइट इन चैट, हरी अप।
जल्दी जल्दी लिखें। तो व्हाट हैपेंस इज के व्हेन समबडी प्रोड्यूसेस अ साउंड, ठीक है, अगर प्रोड्यूस कर रहा है एक बंदा साउंड, स्पीक कर रहा है, तो आगे जाहिर सी बात है कोई सुनने वाला मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो सुनने वाला मौजूद है और अगर वो नहीं सुन पा रहा या कुछ समझ नहीं पा रहा उस स्पीच साउंड को, तो वो या कैसे समझता है, कैसे सुनता है इस चीज को भी, और कैसे नहीं सुनता और कैसे नहीं समझ पाता इस चीज को भी हम ऑडिटरी फिनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो अब वो क्या प्रोसेस है कि किस तरह से साउंड जो है वो आप तक, मतलब आपके के आपको पहुंच तो गया है, वो तो ट्रांसमिशन है, आप तक आ गया, आप उसको क्यों नहीं समझ पा रहे, ठीक है। एक सबसे बड़ी वजह जो होती है किसी बंदे का साउंड को ना सुन पाना, वो क्या होता है, उसके वो जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। जो हियरिंग ऑर्गन्स हैं, कान से उसका कोई मसला है, बाद अवकात हमारे कान में दर्द हो जाता है तो हम एक कान से सुन रहे होते हैं और एक कान से नहीं सुन रहे होते, तो जाहिर सी बात है। फिर जो बहरे लोग होते हैं, ठीक है, डेफ पीपल, सही, ओके। दूसरा ये कि आपने, जैसे अभी मैंने बताया कि जब हम किसी हिंदी स्पीकर को सुनते हैं खे के अल्फाज को बोलते हुए, तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा खास होता है, खास क्यों कह रहा है, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत बात है या हमें उस बात पे हंसना चाहिए, नहीं, हम उस साउंड से फेमिलियर नहीं होते। तो जब हम फेमिलियर नहीं होते तो उसका परसेप्शन ऑफ स्पीच, वो वाला साउंड जो है वो हमारे लिए नहीं है, सही। इफ वी वॉच इवन अ इंग्लिश मूवी हम देखते हैं, हम बहुत इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन स्टिल सम टाइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फिर वो इतना तेजी से बोल देते हैं, दैट क्या होता है, आ जाती है समझ। जल्दी बताइए, वेर इज सफियान, वी हैव, ही इज, दिस इज इट्स फोर्थ क्लास दैट ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। यस, बिल्कुल, जो क्या हुआ कि हमारा जो साउंड का वो जो है उसके साथ फेमिलियरिटी इतनी नहीं है, तो हम बाज़ का चीज़ें नहीं समझ पाते। इवन अगर हम कहें भी कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, फिर भी हम थोड़ा सा परसेप्शन ऑफ दैट स्पीच साउंड में घबरा जाते हैं। वी समटाइम्स हमें कोई बहुत अच्छी लग रही होती है मूवी, तो वो एकदम से कुछ ऐसे अल्फाज या कुछ ऐसे जुमले या बहुत तेजी से बोल देते हैं, तो फिर हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम उससे यूज टू नहीं हुए हुए होते। तो हियरिंग में ये बात भी आ जाती है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में, ठीक है। परसेप्शन और स्पीच साउंड हमारे थोड़े डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर कुछ लोग होते हैं, अगर बहुत ही अच्छी वाली उर्दू बोलें, जैसे हम शकील उर्दू कहते हैं, तो वो भी अगर हमारे सामने बोली जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो ऑडिटरी फिनेटिक्स क्या करती है, हियरिंग एंड हियरिंग परसेप्शन ऑफ अ स्पीच साउंड कैसा है
काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम इसके जरिए स्टडी करते हैं। ठीक है, आपके पास बच्चे होते हैं, उनका पर जैसे अभी बताया कि अगर बच्चा है तो वो बहुत जल्दी कोई चीज पिक कर लेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होगा, उसका आगे जो है वो पिक करने का जो उसके अंदर एबिलिटी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके दिमाग में इतनी ज्यादा सोचे नहीं होती, इतनी ज्यादा उसने साउंड्स नहीं सुने हुए होते जो उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सके, उसका परसेप्शन जो है वो थोड़ा चेंज कर सके। सेकेंड ये कि दे हैव द एबिलिटी, लेकिन ये कि इफ यू स्पेंड सो मच टाइम इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन दैट एनवायरमेंट, तो फिर यू कैन इजिली ओवरकम दीज थिंग्स, कि यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, यू कैन चेंज द वे यू आर स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग। ओके ओके सही। अब हम आते हैं अकुस्टिक फोनेटिक्स की तरफ। ठीक है जी, दिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। सही, इट स्टडीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड एज ट्रांसमिटेड बिटवीन द माउथ एंड द एयर। ठीक है, एंड इट इज सब फील्ड एंड ऑफ अ फोनेटिक्स विच डील्स विद द अकुस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, सही बात है, सारी सब फील्ड्स हैं, सब उसकी ब्रांचेस ही हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हाउ साउंड इज हर्ड। ठीक है, अब हमने ये पढ़ेंगे इस वाले में कि हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड, साउंड किसी साउंड तक पहुंचता कैसे, साउंड हियरर तक पहुंचता कैसे। तो किसी ने साइंस पढ़ी थी मैट्रिक में, एनीबडी हु इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मेरे ख्याल से हम सभी तकरीबन साइंस पढ़ते हैं इन अवर 9th 10th, फिर इवन कुछ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं। वेरी गुड जी, बिल्कुल। तो इसमें मतलब हमें थोड़ा थोड़ा अपना जो है वो साइंस थोड़ी याद आ रही है हमें। ठीक है, तो ये साउंड हमारे पास ट्रांसमिट होता है थ्रू साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड जो होती है वो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और हम इस चीज की प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करते हैं कि एक शख्स के माउथ से जब ये साउंड निकलता है तो दूसरे शख्स के ईयर तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये कि व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम आल्सो हियरिंग, है ना, जब आप बात कर रहे होते हो तो क्या आप खुद को सुन रहे होते हैं या नहीं सुन रहे होते हैं। सही, हाँ हम सुन रहे होते हैं बिल्कुल। तो अकुस्टिक फिनेटिक्स क्या करती है, वो हमारे साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज और किस तरह से वो ट्रांसमिट होती हैं स्पीकर टू द हेयरर के पास, स्पीकर टू स्पीकर के पास, इस चीज को हम अकुस्टिक फिनेटिक्स के जरिए स्टडी करते हैं। ठीक है, तो
यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई है और वी आर इस वाली चीज को तो हमने एंड कर लिया है. एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन. वैसे तो कुछ सुनने का जो है मतलब इसमें कुछ रहा नहीं है समझने के लिए. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर. अंडरस्टूड. गुड. अच्छा अब हम जब स्टडी करेंगे इन फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी तो आपको क्या लगता है हम क्या चीज स्टडी करेंगे ज्यादातर इन थ्री ब्रांचेस में से कौन सी चीज को हम स्टडी करेंगे. एनी आइडिया. गेस करें. ये जो हमने थ्री ब्रांचेस या थ्री सब फील्ड्स ऑफ फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी पढ़ा है उसमें से हम व्हेन वी आर स्टडीइंग गोइंग टू बी स्टडी फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी तो कौन सी चीज हमारी फील्ड से रिलेटेड है इस पे हम ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे. Everybody write it. ये बहुत मेरे पास जो सोए हुए स्टूडेंट्स हैं वो जरा जल्दी से राइट करें. शाबाश. कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारी कौन सी ब्रांच है इन तीनों में से जो हमारे सब्जेक्ट से ज्यादा जो है वो करीब है. यस जैनब जरा बताइए कि ये कौन सी ब्रांच है जो हमारे फील्ड से जो है वो रिलेटेड है. जैनब सोहेल. हेलो जी मिस कैन यू हेयर मी. यस आई कैन हेयर यू जैनब. Yes, can you hear me? I can hear you, Zainab. Please बताइए कि इन तीनों में से कौन सी ब्रांच है फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी की जो हमारे हम पढ़ेंगे. ओके तो आई गेस शी ओके. वर्दा जाहिद आप बताइए. मैम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैम आई थिंक हम आर्टिकुलेटरी ज्यादा पढ़ेंगे. आर्टिकुलेटरी. और क्यों पढ़ेंगे मैम ये क्योंकि ये मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ लिप्स जो हम वर्ड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके लिए स्पीच ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे सी हैं. ओके चलो यू आर नॉट स्लीपिंग व्हिच इज वेरी गुड. थैंक यू. यू डिडंट हैव हुमना जावेद. आई गेस इनका नाम हुमना जावेद है बिकॉज वी हैव टू हुमनास हियर. हुमना जावेद प्लीज बताएं कि विच ब्रांच ऑफ फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी इज वेरी रेलेवेंट फॉर आवर स्टडीज.
हुमना जावेद, ओके हुमना आयास आप बताएं। यस हुमना आयास, यस वेरी गुड वर्दा सीमा एंड वी हैव अदर ब्यूटिफुल रुमैसा शाजमी और यस फिजा एंड एवरीबडी। जी आर्टिकुलेटरी जो है हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स विच इज हमारे कोर्स से ज़्यादा रिलेटेड है और वो क्यों है, वो इस वजह से है कि हमने पोजीशन एंड मूवमेंट्स और साउंड प्रोडक्शन कैसे हो रही है और प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है इसको हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स गो फॉर द How to change the screen? क्या हो गया? एक मिनट। Can you guys see the screen? Organs of speech जो है we will start studying. I hope you guys can see the screen और ये आप लोगों को दिख रहा हो yes. Okay.
The various organs which are involved in the production of speech sounds are called speech organs, also known as vocal organs. ठीक है जी, the speech वही study of the speech organs helps to determine the role of each organ in the production of a speech sound. They include the lungs, the vocal folds, and also importantly the articulators. ठीक है जी. अब हम जब स्पीच ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वो वोकल ऑर्गन कहलाते हैं, और वो स्पीच ऑर्गन्स जो होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड में हमारी मदद करते हैं उनको हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है, वोकल ऑर्गन्स कहते हैं जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्पीच ऑर्गन्स. ठीक है, वोकल ऑर्गन्स. ठीक है, अब why do we study these speech organs? ठीक है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इन स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी करें? इसका सिंपल सा आंसर है जो बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए, कि उनका क्या किरदार है इन प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड में. कौन सा स्पीच ऑर्गन प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड में कौन सा किरदार अदा करता है? ठीक है, दैट वर्ड बी स्टडी. ठीक है, अब इन जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वोकल ऑर्गन्स हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास क्या क्या इंक्लूड होते हैं इनके अंदर? लंग्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स होते हैं, और द आर्टिकुलेटर्स होते हैं. ठीक है, वोकल फोल्ड्स जो है ये न्यू वर्ड है अब वोकल कोड के लिए. ठीक है, तो पहले हमारे पास जो वर्ड हुआ करता था वो वोकल